हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और जीवांश भी उठ गया है सो के, तो जीवांश यहाँ पे बैठा है वॉकर में। और बहुत अच्छी सी आज धूप निकली है और तेज हवा चल रही है, बट अभी उस बिल्डिंग के साइड में है, हमारी साइड में नहीं आई है, तो बहुत तेज हवा चल रही है। और मॉर्निंग वर्क अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, हो ही रहे मेरे, अभी हुआ नहीं है पूरा काम। और अभी जब मैं वेट कर रही हूँ, हमारी साइड में धूप आ जाएगी, तब मैं जीवांश को लेके बाहर जाऊँगी थोड़ा गैलरी में, क्योंकि विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है और हम लोग लेते नहीं हैं वो, और टाइम ही नहीं हो पाता है कि ऊपर टेरेस पे जाएं और विटामिन डी ले। तो वेट कर रही हूँ मैं धूप का आने का। अभी मैंने सारे कपड़े वॉश करके लगा दिए हैं अच्छे से, अभी आने में टाइम है। और जीवांश देखिए, जीवांश भी आया अपना वॉकर लेके गैलरी में। और मैंने अभी हेयर कॉम भी नहीं किया हुआ है, तो ऐसे ही बाल लग रहे हैं पूरा, ये कल के ही बने हुए हैं। और मैंने आज मनी प्लांट को, जो एसी का पाइप था उसमें इस टाइप से लगा दिया ऊपर तक, उनका थोड़ा अच्छा लगेगा, तो अभी ऐसे लगा दिया है। जीवांश को देखिए कितनी मस्ती आ रही है। जीवांश चले अंदर, अंदर चले। और फाइनली फ्रेंड्स, हमारी गैलरी में धूप आ गई है और जीवांश और मैं दोनों आ गए हैं यहाँ पर गैलरी में। और फर्स्ट टाइम ही होगा कि हमारे यहाँ गैलरी में ऐसे धूप आ रही है। दिवांशु से पा मम्मा। फ्रेंड्स, अभी होने वाले हैं 5:30 और होने वाले हैं, हुए नहीं हैं अभी। और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो मैंने जैकेट पहन ली है, और स्नैक्स और चाय तो हो गई है। और मैंने जीवांश के लिए चला दिया है मोटू पतलू, और ये आता है निक पे, तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है इसमें। चला दिया तो देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं जीवांशु। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ बेसन की रोटी, तो अभी तो बहुत टाइम है, तो थोड़े बाद में प्रिपरेशन करूँगी और बेसन की रोटी के साथ सब्जी देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ, अभी कुछ सोचा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आटे का डो लगा के रख दिया है, बेसन 1 कप बेसन और 1 कप आटा लेके मैंने इसका डो लगा दिया है। इसमें मैंने कसूरी मेथी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और रेड चिली पाउडर
और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे रैप के लिए रख दिया है मैंने। अब हस्बैंड जब आएंगे तब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। और आज मैंने दो सब्जी बनाई है, एक आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और एक बनाई है मैंने मूली के पत्तों की सब्जी। तो आज का स्पेशल डिनर यही है हमारा, तो आपको लास्ट में रोटी बना के दिखाऊंगी मैं किस टाइप की रोटी बन के आई है। फ्रेंड्स हस्बैंड भी आ गए हैं और मैंने थाली रेडी कर दी है और मैंने रोटी भी बना दी है। सो फ्रेंड्स अब हम करते हैं गर्मा गर्म अपना डिनर और आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और कल मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।